हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, ठीक है। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे। आपको इस वक्त इस वीडियो को लाइक करना है, लाइक करने से एनर्जी बहुत ज्यादा रेजोनेट करती है। अगर आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बार बार लिखने से आपके लिए भी सच हो जाती है, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताइए। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इनकी करंट फीलिंग्स क्या है। यस, आपके पर्सन करंट में जैसे कि आपको दूर से देख रहे हैं, आपको अपने काम में बिजी देख रहे हैं, ठीक है। और आपको देख देख के परेशान भी हो रहे हैं कि आप इतना खुश कैसे रह सकते हो इनके बिना। अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहते हैं और जैसे कि ढूंढना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है आपके इस खुशी की। नंबर 2, नंबर 6 आपके आपके पर्सन के बर्थडेट में हो सकता है, 26, ठीक है। इनको लग रहा है कि करंट में आप तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, अपनी जिंदगी में हैप्पी हो, करियर पे फोकस्ड हो, खुद पे फोकस्ड हो और जैसे कि अपने आप में जरा जैसे कि सेटिस्फाइड नजर आ रहे हो, ठीक है। यस, आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो और ये देखकर आपके पर्सन को बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रही है। इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि आखिर आपके इस बिहेवियर की वजह क्या है, आप क्यों इनकी तरफ फोकस नहीं कर रहे हो, आप इनको पहले जैसे कॉल मैसेजेस क्यों नहीं कर रहे हो और आखिर ऐसा क्या मैजिक हुआ है आपकी लाइफ में। आपके करंट में आपको दूर से देखकर ऐसा सोच रहे हैं, अपना दिमाग चलाने की कोशिश कर रहे हैं और जब ये ज्यादा दिमाग चलाते हैं और बहुत ज्यादा सोचने के बाद इनको याद आता है कि आप तो इनसे नाराज हो बहुत ज्यादा, ठीक है। आप थर्ड पार्टी से नाराज हो, जो आपके इस रिश्ते में थर्ड पार्टी है, उस थर्ड पार्टी को आप जैसे कि पहले नेगेटिव माइंडसेट के साथ सोचते थे करंट पे, जैसे कि आपने अपनी जिंदगी की नेगेटिविटी समझकर थर्ड पार्टी के बारे में सोचना बंद कर दिया है, ठीक है। यस, ख्याल आता रहता है लेकिन आप वैसे नहीं सोचते जैसे पहले सोचते थे। आपको अभी थर्ड पार्टी का इतना वैल्यू नहीं है, आपको लगता है कि अब ये है कौन, बहुत हो गया। और जैसे कि थर्ड पार्टी से तो बेटर आप हो, थर्ड पार्टी से खूबसूरत आप हो, हो सकता है कि आपकी अच्छी जॉब भी है, आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, तो हर एक बात में मैं अगर ज्यादा अच्छी हूँ तो मैं थर्ड पार्टी के बारे में सोचू क्यों, आप करंट में ऐसे सोच रहे हो, ठीक है। इसी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो जलस है और जैसे कि इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि अब गया सब कुछ, हाथ से गया, अब ना तो ये वापस आएगी, ना तो प्यार दिखाएगी, कुछ नहीं करेगी, ठीक है। जैसे कि इंस्पायर्ड भी हो रहे हैं, इनको अच्छा लग रहा है आपका इतना कॉन्फिडेंस देखकर करंट में, लेकिन चाह रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके ऐसे एनर्जी से आपके पर्सन डर महसूस कर रहे हैं करंट में, ठीक है। इनको जैसे कि लग रहा है कि अगर आपसे इस वक्त बात करेंगे तो आप इनका डिसरिस्पेक्ट करोगे, कुछ वैल्यू नहीं करोगे, इंसल्ट करके इनको जैसे कि अगर आपको कॉल करते तो आप कॉल डिस्कनेक्ट कर दोगे, मैसेज करते हो तो आप रिप्लाई नहीं करोगे, ईगो दिखाओगे आप बहुत ज्यादा। अगर रिप्लाई करते भी होना तो रिप्लाई में आप ईगो दिखाओगे। आपके पर्सन करंट में ये सोच रहे हैं, ये देखिए मैंने कहा ना, ये जल रहे है। आप 100% किसी और से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, या तो आपने खुद इनको झूठ मूठ का बता दिया होगा कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, कोई किसी से मेरा नया दोस्ती हुआ है और कोई है जो मुझे बहुत लाइक करता है, आपने ऐसा कुछ बोला है इनको जो सुनकर इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और ये सारा गुस्सा आपके ऊपर उतारने का इनका दिल कर रहा है और आपको उस बात का बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। आपके पर्सन जो डाउट करते हैं आपके ऊपर, जलते हैं आपके ऊपर, आपको भी बहुत मजा आता है क्योंकि इस पर्सन ने भी आपको बहुत तकलीफ दी है, बहुत जलाया है, तो आपका भी ऐसा बना है ना सोच कि अब टाइम मेरा है, अब ये सब मैं करूंगी जो तूने किया था ना, अब मैं करूंगी, ऐसा है। मतलब दोनों के हालत करंट पे ऐसी है आप दोनों की ही, कि दोनों की जान एक दूसरे के अंदर अटकी हुई है लेकिन दिखा रहे हैं कि या मतलब जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन को लग रहा है फिर ठीक है, अगर तुझे मेरी जरूरत नहीं तो मैं भी अपनी जिंदगी में खुश रहता हूँ, हैप्पी रहता हूँ, मजे करता हूँ। अभी ये भी गुस्से में आ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि अब जैसे कि आपको इनकी जरूरत नहीं है, अगर आप इनका रिस्पेक्ट नहीं करते हो और अगर आप इनकी बातों को इतना इग्नोर करते हो तो अब मैं भी मेरी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। अब ये जानबूझकर आपको ऐसा कुछ रिप्लाई भी करेंगे, ठीक है, ओके कोई बात नहीं, ठीक है तू हैप्पी है तो मैं भी हैप्पी, ये आपको ऐसा मैसेज करेंगे, ये ऐसा ही सोच रहे कुछ, ठीक है। आपको दिखाएंगे कि आपके बिना ये तो बहुत खुश है और जैसे कि होता है ना, अच्छा हो गया, अब सुकून मिल गया मुझे, ऐसा कुछ आपको बोलेंगे,
ये सोच रहे करण पे, क्योंकि इनको लग रहा है कि मैं तो बहुत एफर्ट्स लगा रहा हूँ, बहुत मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप तो इनकी बात एक भी नहीं सुन रहे हो। ठीक है, यस, ये शॉक्ड है आपको देखकर, आपके ऐसे बिहेवियर को देखकर, और इनको लग रहा है कि काश आप इनको जैसे कि एक बार रोक ले, काश जैसे कि अगर ये आपको बोलते हैं ना कि ठीक है कोई बात नहीं, तू तेरी जिंदगी में हैप्पी, मैं मेरी जिंदगी में हैप्पी, अगर ये आपको ऐसा बोलते हैं तो आपको ऐसा बोलना है कि नहीं तू मुझे छोड़कर मत जा, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो झूठ बोल रही थी, मैं तो नाटक कर रही थी, मेरी जिंदगी में तो कोई थर्ड पर्सन नहीं है, ये आपसे ऐसी बातें सुनना चाहते है। करंट में इनका ध्यान कंप्लीट आपके ऊपर है, या आपको अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं, आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है और चाह रहे है कि आप, मतलब होता है ना आपकी खूबसूरती देखकर स्पीचलेस है, करंट में आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत देख पा रहे हैं और अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट करते हुए देख पा रहे हैं, जल रहे हैं, तड़प रहे हैं, मर रहे हैं आपके बिना, इससे ज्यादा आप क्या बोलूं। ठीक है, ये पर्सन आपके बिना बहुत ज्यादा पागल हो जाएंगे अगर आप इनको ऐसी एनर्जीज देते रहोगे तो। ठीक है, आपके पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस में, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि के हो सकते हैं और नंबर्स बहुत सारे हैं। ठीक है, जिनको फील हुआ कि ये मेरी रीडिंग है, मेरे पर्सन ऐसा कुछ सोच सकते हैं, ये रीडिंग उन्हीं के लिए थी। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे देगा नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।